नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 29 जून को दरभंगा के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बांध और तटबंधों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने उसमें बताया कि मौसम विभाग के अनुमान से 29 जून तक दरभंगा सहित आसपास के जिले और नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना किया है। उन्होंने कहा कि लगातार ज्यादा मात्रा में बारिश होने पर दरभंगा के कुछ प्रखंडों में बाढ़ आने की संभावना बन सकती है। इसमें हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड सबसे पहले प्रभावित हो सकते हैं। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि बांध और तटबंधों के किनारे रहने वाले इन प्रखंडों के लोगों को सतर्क कर दे, बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्य चलाने की पूरी तैयारी रखे। इसके आगे कहा कि जिला में अव्यवस्थित सभी तटबंधों की मरम्मत कराई गई है। रेल हॉल और रेल कट की जगह जगह समस्या है, जिनको भी भरने की प्रयास किया जा रहा है। सभी अंचलों में बाढ़ प्रखंड पंचायतों में पर्याप्त संख्या में नाव और नाविक को तैयार हालत में रखे। इसके आगे कहा कि यहाँ पर 15 मोटर बोट भी उपलब्ध है, इसलिए मोटर बोट चलाने वाले चालक को प्रशिक्षित कराकर उनसे मोटर बोट का परिचालन कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। विशेषकर तटबंध के नजदीक रहने वाले टोले के लोग काफी सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है और मतलब दिमाग में रखें और मतलब तैयारियां रखें। अगर जैसे ही हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से अन्य माध्यम से सूचना देंगे, उनको विस्थापित करना होगा, उसका तैयारी सब बना कर रखें, पैकिंग करना जो भी कर रखें उसको तैयार रखें। और सब जगह हम लोग ने आश्रय स्थल चिन्हित किया गया, वहाँ पर चला जाए, जहाँ पर स्थानीय प्रशासन कहेगा वहाँ पर तुरंत शिफ्ट हो जाए। नंबर दो, वज्रपात से मृत्यु लगातार देख रहे हैं बढ़ रही है, कल 5 लोगों की मृत्यु हुआ है। उसके लिए तकनीकी का इस्तेमाल सरकार ने किया, उसका जागरूकता लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो तकनीकी राज्य सरकार ने प्रारंभ किया उस पर लोग जागरूक रहें तो काफ़ी हद तक इसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जान की सवाल है। एक ऐप, हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे, वो कैसे वो मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। नंबर दो, हम लोगों का एयर कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो 20 मिनट के पहले वाला अलर्ट मिलता है, उस अलर्ट के माध्यम से भी हम लोग सभी पंचायत मुखिया सभी ब्लॉक्स में हम लोग भेज करके जागरूक करने का काम करेंगे। और सोमवार से, जैसे आपदा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आज बताया गया है, सोमवार से एक टावर एरिया में जहाँ पर बिजली गिरने वाला, उस टावर एरिया से जुड़े हुए सभी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको SMS जाएगा कि 20 मिनट या आधा घंटा के अंदर आपके यहाँ ये ऐसा घटना होने वाली है बिजली गिरने का। तो ऐसा होने पर हम लोग डेफिनेटली सचेत रहने का, सतर्क करने का ज़्यादा गुंजाइश रहती है और लोगों को इस पर जागरूक करने का आवश्यकता है। और इसके अलावा जनरल जो वज्रपात के संबंधित डूस एंड डोंट्स हैं, जिसका भी सूचना आपको दिया गया DPR और प्रणाली, तो उसको भी प्रचार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें। सर, विस्थापित की बात कहाँ तक, किन किन इलाकों में इस तरह की तैयारियाँ की गई है? ये तो दरभंगा जिला में कई बार पहले बाढ़ आई है और हम लोग उसी का अनुभव पर कई जो जिले क्षेत्रों को चिन्हित किए गए हैं, वो जिले के पूर्व भाग, दक्षिण भाग और उत्तर पश्चिमी भाग, इन सभी भागों का लोग जो तटबंध के किनारे पर आवासन करते हैं उनको सतर्क रहने की आवश्यकता। सर, तटबंध की तैयारियों की बात करें तो बात को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? तो इसे मैंने बताया, SOP कंट्रोल सब तैयारियां जो हैं लगभग पूर्ण की गई है। तटबंध का लगातार वीक पॉइंट्स को चिन्हित करके वहां पर भी काम कराना, उसको स्ट्रेंथन करना का एक लगातार काम। पिछली बार सर तैयारियां की बात भी हुई थी, लेकिन जब पानी आया तो टूट गया दबाव, तो इस बार कुछ इस तरह का एरिया को चिन्हित किया जहाँ पे अधिक से अधिक दबाव पड़ता है? और बिल्कुल उसका सर्वेक्षण किया गया है, संदिग्ध निरीक्षण किया गया है, कोशिश किया गया है कि सभी जो कमजोर बिंदु है उसको सूचीबद्ध करके वहाँ पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पर काम हो रहा है। लगातार हम लोगों के स्तर से कार्यपालक अभियंता को भी सभी सुरक्षा की जा रही है, उनके द्वारा क्या कार्य की जा रही है, तो काम चल रहा है। जहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना है, जहाँ पर प्रोटेक्शन लगातार काम चल रहा है।
एसएससी की तरफ सब तैयारियां चल रही है।